वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट। ये मौसम देख रहे हो पीछे, वहाँ पर बर्फ लगे हुए हैं, पर ठंड बहुत है यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और अभी डिस्किट का जो टेम्परेचर है 8 degrees, तो काफ़ी चिलिंग टेम्परेचर है। और मैंने थर्मल पहना हुआ है, इसके अंदर एक और टी शर्ट है। और हम अभी जिस होम स्टे में है, ये है काराकोरम होम स्टे, जो कि ठीक डिस्ट्रिक्ट में ही है, एकदम डिस्ट्रिक्ट में। और अभी मॉर्निंग हम उठे हैं ताकि चाय पिया जाए गर्मा गर्म, और आंटी ने जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने हमारे लिए नाश्ता भी बना दिया है, तो नाश्ता और चाय करते हैं अभी। और प्लान तो बहुत कुछ है, देखते हैं कि प्लान कैसे अनफोल्ड होता है। पहले तो मोनेस्ट्री का है, और अगर टुटुक जाते हैं तो फिर पैंगोंग कैंसिल करना पड़ेगा, पैंगोंग जाते हैं तो टुटुक कैंसिल करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया कौन सा कैंसिल करें, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, पर दोनों हम नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस टाइम लिमिट। ठीक है, जो भी है जैसा भी है। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल बाइक में बड़ी, इट्स मी सागर लामा। व्हाट्सअप कैसे कर सकते हो, नमस्कार टू ऑल। अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, ठीक है। सो ये है आज का चाय गर्मा गर्म, और ये अपना नाश्ता आज का ब्रेड ऑमलेट। बता रहे थे कि लद्दाखी किचन कैसा होता है, तो हम जाकर देखते हैं कि लद्दाखी किचन जो पहले जमाने में किस तरह से लद्दाखी किचन हुआ करता था। ये देखो, ये लद्दाखी घर है, ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। चले अभी, ये सारा पीतल का और कांसा का ही बनाया गया है। ये कितनी पुरानी होगी आंटी जी? ये तो पुराना होगा, मेरे दादा दादी का होगा। और ये वाले क्या है, गर्म पानी? नहीं, इसमें नमकीन चाय बनाते हैं हमेशा चाय के लिए। इसमें बटर टी होते हैं ना, उसे बटर टी। यस यस यस, बटर टी। ये थोड़ा सॉल्टी रहता है। सॉल्टी, ये मिट्टी का बर्तन है। ये भी बहुत पुरानी है। ये बहुत पुराना है, इसमें ये मिट्टी की बर्तन है, इसमें ये मिट्टी का बर्तन वो नीचे है। ये वाली, ये चूल्हा है, इसमें ये है इनका मिट्टी का बर्तन। अभी और इसमें कुछ भी नहीं बनाते नहीं आप? अभी नहीं। तो ये सारा बल्ब है? बल्ब है, ये तो शो के लिए। आजकल का वो पुराने डिजाइन का वो नया बनाया है। क्या नाम है ये? दीदी रिसोर्ट का। ये लद्दाखी पहनावा है। ये चूल्हा है। क्या नाम क्या आपका? टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम। अप्पू, TN87। ओके, सो दिस गाय इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही इज एन एसी मैकेनिक, एंड ही वाज टेलिंग दैट ही वर्क फॉर 6 months एंड 6 months ही टेक्स लीव, सो दिस इज हिज 6 months गोइंग व्हेन ही इज फ्री। सो ही जस्ट हैव टेकन अ राइड टू लद्दाख फ्रॉम तमिलनाडु इन हिज बाइक विद वन ऑफ हिज फ्रेंड। अभी जाएंगे मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री से पहले यू नो विजय जी आज हमें छोड़कर जा रहे हैं, उनके साथ ये हमारा तीसरा दिन है, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ जितने भी टाइम बिताए, तो उनको सी ऑफ करने का टाइम आ गया है। वो जाएंगे तुरतुक और हम नहीं जा रहे हैं तुरतुक, क्योंकि तुरतुक अगर जाएंगे तो पैंगोंग मिस हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। सो हम जाएंगे पैंगोंग यहाँ से, उससे पहले मोनेस्ट्री। चलो, ये विजय सर का बाइक है, और आज विजय सर हमें अलविदा कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट विजय सर को, टेम्पररी अलविदा। हाँ, ठीक, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे।
यहाँ नहीं तो कहीं और सही किसी न किसी वादियों में आपके साथ मुलाकात हो ही जाएगा। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ सर, बट ठीक है सर, बट खुशी है सर कि हमने हमारा जो तीन दिन भी था ना सर, बहुत बेहतरीन सवाल ही नहीं बस। चलो फिर अब विजय सर को सी ऑफ करते हैं और आई विश हिम ऑल लक फॉर हिज फ्यूचर जर्नीज। बाय सर। का सफ़र यहीं तक था हमारे साथ और हमारा सफ़र यहाँ से कहीं और है, अपना भी मंजिल वो देख रहे हो आप मोनेस्ट्री रही वहाँ पर हम जाएंगे। अभी हम है मोनेस्ट्री में, यहाँ पर मोनेस्ट्री है। What a view you will get it from here. Hai na khoobsurat. This was the way to temple. Aur temple ke andar videography bana tha to kuch dikha nahi paya. I bought some khada. Ye ghar ke liye maine liya hua hai. Maa boli thi ki yahan aaye ho to khada lekar aana. To isliye maine ye khareed liya hai. हम हैं अभी डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री में और डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री को डिस्ट्रिक्ट गोंपा भी बोला जाता है। ये यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये तिब्बतन आर्किटेक्चर है। द डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री वाज फाउंडेड बाय चेंजेंग ज़ांगपो इन द 14th सेंचुरी। टाइम टू से गुड बाय टू दिस गेस्ट हाउस एंड द वंडरफुल डिस्ट्रिक्ट। जो अपना जो भी लगेज है सारा पैक हो गया है एंड वहाँ पर मेरा बाइक पार्क हुआ है और लगेज भी वहीं पर है, बस माउंट नहीं हुआ है, माउंट कर लेंगे। आज विजय हमारे साथ राइड नहीं कर रहे हैं तो हम मिस करेंगे उनको, बहुत मिस करेंगे। ठीक है चलते हैं बाहर बाइक में एंड देन विल स्टार्ट आवर राइड टू पैंगोंग। तो आज पैंगोंग पहुंचेंगे। अब ये टाइम हो रहा है 12 o'clock, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। Got it all just figured out. You can fake it. हाँ जी, बाय बाय आंटी। ये था मोनेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट गैंगपो। सो हमें अभी खलसार जाना है। खलसार इज 21 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड खलसार से वी हैव टू टेक लेफ्ट टूवर्ड्स पैंगोंग। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदा 1:30 को निकला था एंड ही रीच पैंगोंग इन द इवनिंग। सो वी थॉट दैट हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया आज बिकॉज ऑफ दिस ड्रोन। ड्रोन उड़ाने का मौका मिला था, ड्रोन उड़ा लिए। विक्रम का ड्रोन फंस गया था पेड़ के ऊपर, जैसे तैसे करके निकाले। अच्छा बात है, विक्रम का भी चैनल है। सो मैं चैनल का जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओ और उनका चैनल को भी विजिट करो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। मौसम अभी बहुत ही अच्छा है, वो देखो बड़े बड़े पहाड़ उसके ऊपर लगा है बेहतरीन फॉग। फाइनली नुब्रा वैली विच इज कॉल्ड द डेजर्ट ऑफ लद्दाख। बाय बाय, गुड बाय टू यू, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। ATV राइड यहाँ पर भी आप कर सकते हो, रोपवे भी है। रोपवे विल कॉस्ट यू लाइक 3,000 rupees फॉर वन वे ओनली एंड इफ यू डू दिस ATV इट विल कॉस्ट यू 1,000 rupees। दिस आर द टू एक्टिविटी व्हिच इज इन द नुब्रा वैली। एक साथ चलो, लेट्स डू दिस। चलो ठीक है भाई, फाइनली ATV राइड करेंगे। मैं हमारे साथ है राज पापा जो हमें गाइड करेंगे। कुसुम कहाँ अरे तुम्हें कहाँ पहुँचने हो भैया? कुसुम साइड में था ना, चलाएगा उसके बाद 2-2 किलोमीटर।
राज भाई बोल रहे हैं कि समसेरा का भी शूटिंग हुआ था और भाग मिल्खा भाग का भी शूटिंग हुआ था। यही है वो प्लेस जहाँ पर भाग मिल्कर भाग का शूटिंग हुआ था। एग्जैक्टली दिस इज द स्पॉट वेयर द फिल्म वॉज शूटेड। अब है मेरा बारी। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट पैसा वसूल है, फन थ्रिल एक्साइटमेंट सब कुछ एक साथ यार। यार यहाँ पर आकर ये तो करना बनता है यार। चलो ठीक है, फिर निकलते हैं पैंगोंग के लिए। सफर बहुत दूर है अभी, टाइम यहाँ पर एक बज चुका है। भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑफ रोडिंग अभी दिख रहा है, सैंड अब चक्कर फंस सकता है। ऑफ रोडिंग को जितना स्लो से आप करो उतना अच्छा है आपके लिए। फंस गया मेरा बाइक यहाँ पर यार। अभी जो हुआ मेरे साथ ना, ऑलमोस्ट एन आवर बैक यू नो,